हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल अपना किचन एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगाड़े की पकौड़ी। आइए उसकी रेसिपी देखते हैं। सिंगाड़े की आटे की पकौड़ी बनाने के लिए 250 ग्राम सिंगाड़े का आटा, आलू 7-8 आलू है उसको उबाल लिया है, धनिया, इसमें चटनी बनेगी, पकौड़ी में भी पड़ेगा, सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च का पाउडर बनेगा, हरी मिर्च, ये पकौड़ी में भी पड़ेगी, बारीक कटेगी और चटनी में भी पड़ेगा, 1 नींबू और गरी। आइए स्टार्ट करते हैं। मिर्चे को बारीक काट लेते हैं, आलूओं को छील लेते हैं, काली मिर्च का पाउडर बनेगा, धनिया को बारीक काट लेते हैं। चटनी पीसने के लिए धनिया को बारीक काट लिया है, 2 मिर्चा लिया है, थोड़े से अदरक है, आधी धनिया चटनी में डाल देंगे, आधी धनिया पकौड़ी में पड़ेगी। गरी को मैंने घिस लिया है, इसी को मुझे पीसना है। आलूओं को छीलने के बाद आलूओं को मैश कर लेंगे। नारियल धनिया की चटनी पिस गई है, इसी में जो है नींबू का रस निचोड़ना, जितना आपको खट्टा पसंद हो उसी हिसाब से नींबू इसमें डालिएगा खट्टापन के लिए। ये चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। बाद काली मिर्च जितना आपको पसंद हो उसी हिसाब से मिक्स कर लेते हैं। हमारी नारियल की चटनी रेडी हो चुकी है। ये चटनी खाने में बहुत स्वाद आता है। चटनी पीसने के बाद उबले हुए आलू को मैश कर लेते हैं। मैश हो गया है, इसी में सिंगाड़े के आटे को मिला देते हैं। हमने 250 ग्राम सिंगाड़े का आटा लिया था, 8 उबली हुई आलू थी मीडियम साइज की, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कम ज़्यादा करना हो। आटे को लेने के बाद कटी हुई हरी मिर्च जितना आपको कड़ू पसंद हो, कटी हुई धनिया बारीक, धनिया के साथ जीरा 1 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक 1 चम्मच, जितना आपको कम ज़्यादा करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप व्रत में कुटी हुई लाल मिर्च खाते हो तो भी डाल सकते हैं। अगर आपको गीलापन कम लग रहा हो सिंगाड़े के आटे और आलू में तो आप थोड़ा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। हमारे सिंगाड़े के आटे का पैटर्न रेडी हो चुका है, इतना ही हार्ड होना चाहिए। हमारे सिंगाड़े का आटे का पैटर्न रेडी हो गया है, इतना ही हार्ड होना चाहिए जितना हमने किया है। आइए देसी घी में इसको तलना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें घी भी डाल दिया है, घी को थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, 1 कटोरे में पानी लिया है। पकौड़ी हमारी हाथों में चिपके नहीं जाता, इसलिए हाथों में पानी लगा के सिंगाड़े के आटे को ले लिया है। अब इस तरह से लिया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, जितनी बड़ी पकौड़ी आपको बनानी हो उस हिसाब से बनाएंगे। इसी तरह से सारी पकौड़ियों को छुआ लेंगे। सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी इसी तरह से बनाया जाता है। सिंगाड़े के आटे में कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये इसी तरह से बनाया जाता है। इसको घर पे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, खाने में बहुत लाजवाब होता है और व्रत में तो
अगर आपको बहुत तेज भूख लगी हो तो सिंघाड़े के आटे का इस तरह से पकौड़ी बना के आप खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से सारी पकौड़ियों को रेडी कर लेते हैं। हमारी सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी रेडी हो चुकी है। आप इसको जितना डार्क कर रखना हो, हल्का ब्राउन या डार्क, उसी हिसाब से रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही यूनिक तरह से बताया है। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। लेते हैं ताकि हमारा सिंघाड़े का आटा चपके नहीं, इस तरह से ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, जितना आपको पसंद हो। ये घी इसलिए काली दिख रही है, इसमें हम एक बार पकौड़ी और बना चुके हैं, इसलिए ये काला दिख रहा है। इस तरह से जितने बड़े आपको पकौड़ी रखनी हो, छोटी या बड़ी, आप बना सकते हैं। अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। व्रत वाले तो खाते ही रह जाते हैं, बच्चे तो इसको छोड़ते ही नहीं हैं। एक एक करके बच्चे ही खा डालते हैं, व्रत वाले तो भूखे बैठे रह जाते हैं। अगर हमारी सिंघाड़े की आटे की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आने वाली अनोखी रेसिपी आप तक पहुँचा सके। आइए इसको सर्व करके दिखाते हैं। व्रत में ज़रूर बना के खाइए, चाय के साथ, नारियल की चटनी के साथ, बहुत ही टेस्ट अच्छा है। सभी लोग खाएंगे, व्रत वाले जितने भी सदस्य हो घर में, सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता।